हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम आंट जेनिफर स्टाइगर्ट, इसके पोएट हैं एड्रिन रिच, के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये पोएम है और उससे भी इंटरेस्टिंग है इसका थॉट या इसका बेसिक एलिमेंट या सेंट्रल आइडिया या एसेंस ऑफ द पोएम। ये बताना चाहता है हमें एक ऐसी जर्नी के बारे में जो रियल वर्ल्ड से लेकर अनरियलिस्टिक अप्रोच के बारे में है। मसलन एंट जेनिफर जो अपनी शादी से अपनी फैमिली लाइफ में बड़ी ही दुखी रहीं, कभी उन्हें खुशी नहीं मिली। इवन अपने हस्बैंड की डेथ के बाद भी वो उस बाउंडेशन को, उस बंधन को अभी भी महसूस कर रही हैं और ये भी मान रही हैं कि ये दर्द, ये तकलीफ, ये बोझ वो उनके आखिरी सांस तक उनके साथ रहेगा। लेकिन जब वो स्वेटर बुनती हैं और स्वेटर बुनते बुनते उस पर खूबसूरत टाइगर्स बनाती हैं, वो पूरी कोशिश करती हैं कि ऐसी दुनिया रचने की जिसमें उनके बनाए हुए टाइगर्स बड़े ही बहादुर, बड़ी ही खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जैसी वो कभी कल्पना करती थी और जैसी ज़िंदगी वो कभी जी नहीं पाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नी फ्रॉम द रियल टू द अनरियल वर्ल्ड। हम ऐसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, हम जैसे होते नहीं वैसा दिखने की कोशिश करते हैं और जैसा दिखने की हम कोशिश करते हैं, यकीन जानिए अक्सर हम वैसे होते नहीं। मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, दरिया बफाओं का कभी रुकता नहीं और आसमां जमीन पर कभी झुकता नहीं। यूं तो हम हंसते और मुस्कुराते रहते ही हैं आपकी महफिल में, तो क्या दिल हमारा कभी दुखता नहीं। सो फ्रेंड्स, यही है इस पोएम का सेंट्रल थॉट और सेंट्रल आइडिया कि हम जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, जब हम वो जी नहीं पाते तो फिर उस जिंदगी की हम सिर्फ ख्वाब देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ वो खुशी मिल जाए जो हमें यहाँ हमारी रियल लाइफ में नहीं, और इसके लिए हम हर वो कोशिश करते हैं जो शायद हम अपनी रियल लाइफ में करते तो हमें यहाँ भी खुशी मिल जाती। दोस्तों, बात अगर अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।